अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। जैसे थिएटर पर्सनालिटी के साथ रह कर कुछ एक्टिंग तो सीख ली मैंने। लेकिन रोहन, I'm sorry मैं कि मैंने तुम्हें अपने प्ले का आर्ट डायरेक्टर रखा है यार, तुम्हें तो हीरो होना चाहिए था। कितनी बेवकूफ हूँ मैं भी। हीरो बना दो, वॉचमैन बना दो, ड्राइवर बना दो, गंगू बना दो, तेली बना दो, बावर्ची, ऑमलेट तो रह गया, ऑमलेट के बारे में भूल ही गया, अभी बनाता हूँ। मेरा राशिफल ये कहता है कि आज शायद मेरा सामना पुलिस के साथ हो जाए, इसलिए मुझे सावधान रहना होगा। खुश, अब मुझे ये राशिफल नहीं पढ़ना। ठीक है चलेगा चलेगा। मॉम, हाय। हाय, व्हाट्स अप? अरे वही तो बताने आया मॉम। मॉम, ये पेज 3 के अलावा कुछ और भी इंटरेस्टिंग खबर है जिसके बारे में आपको दिलचस्पी हो सकती है। अच्छा। ये देख। वाओ, ग्रेट है ना? थैंक यू मुस्कान। आज ना आप अपना ज्यादा ख्याल रखना, ठीक है? जैसे कि ये सब सच होने वाला है, और वैसे भी आज मेरा मूड बहुत खराब है। गुड मॉर्निंग। हमें बहुत काम है, मैं चलता है दीदी मोनी। मॉम, आई होप कि डैड और आपके बीच अब सब कुछ ठीक है। सब ठीक है। तुमने अनिरुद्ध को फोन किया? मॉम, कल ही तो मिले थे हम लोग, आज फिर क्यों फोन करूं उसे? अरे इसलिए, देखो इंडिया में पहली बार सबसे डिफिकल्ट सर्जरी अनिरुद्ध ने की है, उसने पूरी मीडिया को बता दिया और तुम्हें नहीं बताया। अनिरुद्ध नहीं है, कल मुझे क्यों? मॉम, आए दिन तो अनिरुद्ध अखबारों में छाया रहता है, कुछ ना कुछ तो छपता रहता है उसके बारे में। आई एम श्योर कि वो मुझे बताना भूल गया होगा। और ये बात जरूरी तो नहीं है ना कि अनिरुद्ध मुझे हर बात बताए। कैसे जरूरी नहीं है? ऑफ कोर्स जरूरी है, तुम दोनों इतने अच्छे दोस्त हो, तुम्हें उसके बारे में सब कुछ जानना चाहिए, और खास करके इतनी बड़ी खबर। कम ऑन, कॉल हिम एंड कांग्रेचुलेट हिम। कम ऑन। सोचूं मुस्कान, एक फोन करके कांग्रेचुलेट करने में सोचने की क्या बात है? मॉम, मैंने कहा ना, सोचूंगी मतलब सोचूंगी। यार डोंट वरी, मैं चेकिंग कर लूंगा। या यार थैंक यू सो मच। अच्छा लिसन, आई विल कॉल यू बैक। क्या बात है,
ऐसे सिर पकड़े क्यों बैठी हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं, अपना हाथ दीजिए, मैं आपका पल्स चेक कर लेता हूँ। दीजिए। क्या मैं आपको हाथ लगा सकता हूँ? ओह माय गॉड, आपका पल्स तो बिल्कुल 16 साल की लड़की तरह दौड़ रहा है। आपको कुछ नहीं हुआ? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, वैसे भी तुझे देरी हो रही होगी, जा ना। ओ मेरा बच्चा बुरा मान गया। हाँ एक बात बताइए, मैं आपका पोता हूँ कि आप मेरी पोती हैं? अच्छा ओके सॉरी, मैं आपको ऐसे नाराज छोड़ के थोड़ी ना जा सकता हूँ कहीं पर। हाँ बताइए क्या बात है? क्या बात है, मेरी दुनिया खत्म हो गई है और क्या? ड्रामा क्वीन? नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि दादी आपको कुछ नहीं होगा, आप बहुत स्ट्रांग हैं, मुझे उठा के फेंक सकती हैं, आप इतनी स्ट्रांग हैं आप। बताइएगा तकलीफ आपको? तकलीफ ये है कि मेरे घर में एक अवार्ड विनिंग पोता रहता है, मैं जो सर्जरी करता है और उसके मुबारकबाद में सुबह से फोन पे फोन फोन पे फोन फोन पे 133 टू बी प्रिसाइज। और एक मेरा पोता है कि... बस बस दादी बस, मैं समझ रहा हूँ आप कौन से टॉपिक पर आने वाली हैं। अगर तुम समझ रहे हो तो उसका कुछ करते क्यों नहीं, हु? तुम्हारे लिए इतने सारे रिश्ते आते हैं लेकिन तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं आती, ऊपर क्या देख रहे हो? देखना बड़े जल्दी मैं भी ऊपर जाऊंगी और ऊपर जाके मैं तुमसे बातें करूंगी और तुम यहाँ पे अकेले बैठे सर्जरी करते रहना। ऊपर जाऊंगी और नीचे। दादी प्लीज, दादी आपको जो कहना है मुझसे कहिए, मरने की बातें मत करिए। नो आई लव यू सो मच। लो एक और फोन आया। या ये डॉक्टर शाह, थैंक यू सो मच। या आई एम कमिंग। या डॉक्टर शाह एक मिनट है, जस्ट वन मिनट। डॉक्टर शाह या द सर्जरी इज वेरी गुड एंड लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल। या रोहन तू तो मर गया यार। अरे अनु के सरप्राइज का क्या करेगा? उठ 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 उठ। अंकल मैंने अक्सर आपको रोहन के लिए काढ़ा बनाते हुए देखा है, इसमें से कितनी गंदी बदबू आती है, क्या होता है इससे? अरे बेटा इससे मेरे रोहन की याददाश्त वापस आ जाएगी। जी के कहने का मतलब है कि इसे पीने से याददाश्त स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। हाँ वैसे भी रोहन आजकल बहुत भुलक्कड़ होता जा रहा है। अनु तुम भी पिया करो, इसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल आयुर्वेदिक है। नो वेज भाभी, पता है बचपन में तो मैं दूध भी नहीं पी पाती थी। और रही बात रोहन की, मुझे नहीं लगता कि ये दवाई उसके ऊपर कुछ असर करेगी। भाभी मुझे देर हो रही है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, मेरा वॉलेट, मेरे सॉक्स, मेरा रेड टी-शर्ट, सब कुछ कहाँ है यार? रोहन अलमीरा के थर्ड शेल्फ में रखा है, बताया तो था। हेलो एवरग्रीन फ्लोरिस्ट, आपके शॉप में जो सबसे बड़ा और खूबसूरत बुके है वो आप सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर अनिरुद्ध के नाम पर भेज दीजिए और कार्ड पर लिखना लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम मुस्कान। थैंक यू। मॉम मॉम मैंने कहा था ना आपसे कि मुझे जो करना है मैं उस बारे में खुद सोचूंगी, तो आप ये सब क्यों कर रही हैं? अगर आपको अनिरुद्ध को बुके भिजवाना है तो आप अपने नाम से भिजवाइए ना, मेरे नाम से क्यों भिजवा रही हैं? बेटा इन सब बातों में अगर थोड़ी देर हो जाए ना तो बहुत देर हो जाती है।
और मैं नहीं चाहती कि अनिरुद्ध को ऐसा लगे कि सब उसे विश कर रहे हैं सिवाय तुम्हारे। मुस्कान, बेटे आप इतनी बड़ी हो गई हैं, अच्छा खासा दिमाग है आपका, उससे भी अच्छा दिल है आपका। उन दोनों की सुनिए ना। सुसु की क्यों सुनती हैं? और वैसे भी अनिरुद्ध मॉम का दोस्त है कि आपका? बेटे किसी के हाथ की कठपुतली मत बन जाएगा कि जहां रस्सी खींची आप वहीं झुक गए। अभी बंदूक अपनी बेटी के कंधे पर रखकर चलाने की कोई जरूरत नहीं। आपको जो बात करनी है आप मुझसे सीधे सीधे कीजिए। हमेशा आप मुझे कुसूरवार ठहराते हो। आखिर मैंने किया क्या है? अपनी बेटी का भला ही चाहती हूँ, और क्या करती हूँ? और ये कोई गुनाह है? पता मैं क्या सोच रहा था, वो फूल वाले को फोन करके बोल देते कि दो और बुके भिजवा दो, एक मॉम की तरफ से डैड को और एक डैड की तरफ से मॉम को। ऋषि प्लीज मुझे कैफे ड्रॉप कर लो ना, ड्राइवर नहीं आज। जी मैम साहब, चलिए। थैंक्स। रोहन रोहन रोहन, कहाँ चल दिए? अभी लंच का टाइम हो रहा है, बैठो आराम से खाना खाओ फिर जाना। वैसे जा कहाँ रहे थे? अरे कहाँ खो गए, जा कहाँ रहे हो? अभी मैं लंच में कुछ और खाने वाला हूँ। एनीवे मुझे बहुत देर हो गई, मैं जा रहा हूँ। रोहन बेटा बेटा बेटा, ये काढ़ा काढ़ा पीकर जाऊंगा। पापा सुबह तो पिया था, कितना पीऊंगा? और अब इतनी जल्दी में क्यों, जा कहाँ रहे हो लंच? मामा मिया कैफे। मामा मिया, उस चुड़ैल के चंगुल से तुम्हारा सरप्राइज छुड़ाने। अरे तुम उसके पीछे पड़े हो, छोड़ो ना। यही तो प्रॉब्लम है, ये छोड़ नहीं सकता। जस्ट वेट एंड वॉच, आज आ रही अपार। तुम दोनों इतने अच्छे दोस्त हो, तुम्हें उसके बारे में सब कुछ जानना चाहिए, और खास करके इतनी बड़ी खबर। कम ऑन, कॉल हिम एंड कांग्रेचुलेट। एनी फोन कॉल्स फॉर मी? यस सर, आपके लिए बहुत सारे फोन कॉल्स आए थे कांग्रेचुलेट करने के लिए। मेरे लिए कॉफी जरा भिजवा देना। ओके सर। मुस्कान ने अब तक मुझे फोन क्यों नहीं किया? सर आपके लिए बुक क्या आया था? कमन, किसने भेजा है? थैंक यू, यहां रख दो। मैम वहां से ऑर्डर आया कि हमें वहां पे अभी। थैंक यू मुस्कान। थैंक यू किस बात के लिए? मुझे तो लगा कि तुमने मुझे सॉरी कहने के लिए फोन किया। सॉरी? सॉरी क्यों बोलूंगा मुस्कान, थैंक यू बोलूंगा ना। तुमने मुझे गलत प्रूफ कर दिया। गलत प्रूफ कर दिया मतलब क्या? मतलब ये कि मुझे लगा था कि कल रात को हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम मुझे कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करोगी, लेकिन ये बुके भेजकर तुमने ये साबित कर दिया है कि इन छोटे मोटे झगड़ों का ये मतलब नहीं कि तुम मेरी खुशी में शामिल नहीं होगी। हमारी दोस्ती, हमारा रिश्ता इन झगड़ों से कहीं पर है। अगर तुम सच में ऐसा सोचते ना तो मुझे अपनी खुशी में शामिल करते। मुझे तुम्हारी कामयाबी के बारे में यूं
अखबारों से नहीं पता चलता अनिरुद्ध। मुस्कान मेरी समझ में नहीं आ रहा, अगर तुम्हारा रवैया अभी ऐसे ही है तुमने फूल क्यों भेजा? फूल मैंने नहीं भिजवाए, फूल मॉम ने भेजे थे मेरे नाम से। मुस्कान इसका मतलब ये है कि तुम अब भी कल रात की बात को पकड़ के बैठी। कल रात की बात को पकड़ के तुम भी बैठे हुए अनिरुद्ध, वरना इतनी बड़ी खबर तुम खुद मुझे नहीं बताते। लुक मुस्कान, जस्ट टेल मी वन थिंग, आज से पहले मैंने तुमसे कब अपनी काम की बातें शेयर की है? आज से पहले तुमने कब मेरे काम को लेकर इतनी दिलचस्पी दिखाई है? तो अगर आज मैंने तुम्हें अपने ऑपरेशन के बारे में नहीं बताया तो तुम इतनी सी बात को लेकर इतना अपसेट क्यों हो रही हो? ये इतनी सी बात नहीं है, और ये बात तुम भी जानते हो अनिरुद्ध, कैरियर रिश्तों में कोई भी बात इतनी सी नहीं होती। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, उन्हें जुड़ने में बहुत वक्त लग जाता है, लेकिन टूटने या चकनाचूर होने में सिर्फ एक पल। अनिरुद्ध, ये सर्जरी तुम्हारे करियर तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर तुम मुझे जरा भी अपना समझते ना तो ये बात तुम मुझे खुद पहले बताते। मुझे मुस्कान, मैं 6 घंटे लंबी सर्जरी करके निकला हूँ, थक गया हूँ, इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं। ये कॉल तुमने मुझे किया था अनिरुद्ध, मैंने नहीं। जाकर छुप जाती हूँ, वो आएगा उसे कहना कि मैं यहाँ नहीं हूँ, ओके? अरे मैडम 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 मैडम, सुनो, लेकिन आप हो कहाँ? कहीं पे भी, मार्केट में, घर में, हॉस्पिटल पे, कहीं भी, लेकिन यहाँ नहीं, ओके? गो। ओए चुड़ैल का है क्या है? तेरी मैडम का? ए रेड टी-शर्ट। रेड क्या? पता तेरी मैडम का? मुझे क्या पता, घर पे, मार्केट में, आई मीन घर, मार्केट, हॉस्पिटल, कहीं भी हो सकती है ना, पर यहाँ नहीं है बिल्कुल भी। हाँ अच्छा, आई मीन मैम आज यहाँ आई नहीं है और आने भी वाली नहीं है, सो प्लीज। कॉफी शॉप खुले 1 घंटा हो गया, तुम्हारी मालकिन अभी तक नहीं है, रोज लेट आती है या आज कोई स्पेशल ओके? हेलो, मेरी मैम के बारे में ऐसा मत बोलो, ओके? वो रोज लेट नहीं आती है, वो तो आज किसी काम की वजह से अटक गई होंगी। I'm sure वो कहीं अटकी तो नहीं होगी, जानबूझकर मुझे अवॉइड कर। इधर आ, अरे आओ ना, तुम्हें तो पता ही होगा ना कि तुम्हारी मैडम ने मेरी बुक कहाँ छुपा कर रखी है? रखी है? अच्छा वो किताब, किताब कौन सी किताब, क्या किताब, कौन सी किताब, क्या किताब? तुम जानती हो कि मैं जानता हूँ कि मैं जानता हूँ कि तुम जानती हो कि किताब कहाँ है, किताब भी यही है और तुम्हारी मैडम भी। मैंने आपसे कहा ना मैम यहाँ नहीं है और आने भी वाले नहीं है, सर प्लीज। You know what I believe? पर अपनी मैडम से कहना कि मैं फिर से आऊंगा, इतनी आसानी से छोड़ने नहीं वाला हूं। गया मैम, गो वेंट गॉन। थैंक गॉड चला गया, बाल बाल बच गए। I knew it. कले। हमसे बच के कहां जाओगी जाने मन? अरे मुझे पता था कि तुम यहीं पे हो, और अपने चेलों को अच्छी ट्रेनिंग दे रखी है तुमने, जिस तरह से वो हा ना किए जा रहे थे ना, मुझे पता था कि तुम यहीं कहीं छुपी। चलो ला। हेलो, क्या मेरी किताब जिसे चुराने के चक्कर में हो तुम? चुराने के चक्कर में मैं हूँ या तुम?
पहले पैसे वापस करो। किस बात के? काहे के पैसे? मेरा बीपी हाई करने के लिए या मुझ पे गर्मा गर्म कॉफी डाल के मुझे जलाने की कोशिश करने के लिए? मेरे क्लाइंट का सरप्राइज बर्बाद करने के पैसे, मेरा वास तोड़ने के पैसे और मेरे पेस्ट्रीज के पैसे। तुम अभी तक उसी बात पे अटकी हो। वाह, फटाफट मेरी बुक लौटा दो और ये ड्रामा खत्म करो, समझी तुम? ड्रामा? कैसा ड्रामा? अच्छा, तो तुम हार नहीं मानोगी? एंड यू नो व्हाट, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा, क्योंकि घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करना जरूरी होता है। मैंने तुम्हें वार्न किया, तुम नहीं मानी, अब भुगतो, क्योंकि मेरा अगला कदम तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। करो तुम्हें जो करना, मैं भी देखती हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। आने दो पुलिस को, फिर देखते हैं शेखिया कितनी काम आती है। पुलिस? तुम पैदाइशी बेवकूफ हो या आज को स्पेशल ओकेजन है? तुम एक किताब के लिए पुलिस को बुलाओगे? करो फोन, देखना पुलिस वाले भी हंसेंगे तुम पर। देखता ना कौन हंसता और कौन रोता है। आने दो पुलिस को, अभी फोन लगाता हूं। 100 लग गया। हेलो जी, मैं मामा मिया कैफे से बोल रहा हूँ। एड्रेस है 103 एमजी रोड। यहाँ बहुत बड़ी चोरी होगी, आप प्लीज तुरंत आ जाइए। थैंक यू।